हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बनाया था, बस वही मिलाद वाला व्लॉग जो है चढ़ा दिया था, क्योंकि ऑन एयर कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी और क्या नाम है इसका, घर के कामों में मैं ज़रा बिज़ी थी, इस वजह से नहीं बना पाई व्लॉग। तो सोचा कि आज व्लॉग बनाती हूँ। तो कल रात को जो है तहा के पापा जो है उसके लिए सरप्राइज़ लेकर आए, और वह सरप्राइज़ क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड, सरप्राइज है ये, ताहा के पापा ताहा के लिए स्विंग लेकर आए हैं, और ये हमने यहाँ पे इसको लटका दिया है ताहा के लिए, और ताहा जो है रात से बहुत मज़े से एंजॉय करके जो है यहाँ पे झूले ले रहा है। तो ताहा के फर्स्ट राइड है झूले में, वैसे दूसरे वाले झूले में सोया करता था, अब जो है बड़ा होता जा रहा है माशाल्लाह से। तो अब इस झूले में ये आगे क्वेश्चन रखा है इसके लिए, क्योंकि ना ये बिल्कुल अपना वज़न आगे फेंक देता है, तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बाहर आने वाला है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी खुला और बड़ा झूला है, तो गिरने का चांस नहीं है, इसके पापा से ही देखभाल के लाए हैं। तो फिर भी इसको चुभे ना और ज़्यादा वो आगे ना आए, आराम से कम्फर्टेबल होके बैठे, तो इसलिए उसके लिए जो है क्वेश्चन रखा है। तो ताहा जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। क्यों ताहा, है जी झूले में ही हो रही है, ताहा को बहुत मज़ा आ रहा है झूले में। फर्स्ट टाइम स्विंग ले रहा है, इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे बैठता है, जब बिठाओ ना तब बड़ा रोता है, कल बहुत रोया था कि ये मुझे किधर बंद कर दिया आप लोगों ने, साथ आगे भी आ गया था, फिर ये क्वेश्चन रखा थोड़ा पीछे हुआ, अब जो है सही मज़े से खेल रहा है सब माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा फ्रेंड्स। तो ताहा का जो है बहुत ज़्यादा मच्छर काट गया है, और जो इस आँख पे है ना, इस आँख पे बहुत ज़्यादा काटे हैं, एक ही आँख पे ना बहुत ज़्यादा। इसने एक्चुअली गुड़ खाया था ना, तो खाया क्या था, बस ऐसे ही बेचारे ने टेस्ट कर लिया था, तो वो हाथों में मल के ना, तो इसने कहीं ना वही आँखों पे लगा लिया, तो वो रात को ना इसको सही मच्छर ने जो है ना पकड़ के सही इसको चक्कियाँ काटी हैं। नीनी आ रही है ताहा को, तो बेचारे का बहुत ज़ोर का मच्छर ने काटा पूरे फेस पे, तो आँख जो है उस दिन छोटी हो गई थी इसकी बहुत ज़्यादा, और ऊपर से ये रब बहुत ज़्यादा करता है। अब मैंने इसको ना नहला के ना इसको मैंने सुरमा डाला, और देखिए आप लोग, इसने 5 मिनट भी उस आँख में सुरमा नहीं ठहरने दिया, इतना ज़्यादा ये आई इसको रब करता है। तो बस अभी आपको यही अपडेट देनी थी कि मेरे ताहा की स्विंग आई है, और मेरा ताहा अपने स्विंग में जो है बहुत ही इंजॉय कर रहा है, बहुत मज़े से खेल रहा है। तो बाकी जो अपडेट होती है मैं आपको बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो मगरिब का टाइम हो गया, शाम का टाइम है, चाय पीने का टाइम है, तो मैंने कहा चलो क्यों ना आज नगेट्स बना लूं। तो आज जो है अम्मी ने जो है वो कीमा बना के दिया है चिकन का, तो मैंने कहा चले कि मैं बनाती हूँ, नगेट्स बना लेती हूँ, और अम्मी जो है वो कोफ्ते बना लेंगी। नगेट्स देखो जी, छोटे छोटे से, पिटकू पिटकू से। हाँ ना, जल्दी होंगे ना, बड़े बड़े जो है ना बड़े बड़े नहीं हो रहे जल्दी, और ताहर होने लग जाएगा। मुझे अपना भी तो देखना है ना, मैं यहाँ पे खड़ी रहूं। अच्छा, हमको सिखा रही है। जी फ्रेंड्स, तो ये नगेट्स डाल दिए मैंने, थोड़े से पहले निकाल के खाए हैं टेस्ट करने के लिए कि नमक मिर्च सही है कि नहीं। तो अभी बाकी मैंने डाल दिए हैं नमक वगैरह मिर्च वगैरह सही करके, तो बस अभी ये वाला लॉट निकलता है, तो फिर ये वाला खाएँगे और इन्जॉय करेंगे। मैंने कहा नगेट्स घर पे बना लूँ, बाहर से तो बहुत महंगे मिलते हैं, घर पे ही है, थोड़े से भी मसाले से ज़्यादा बन जाएंगे। तो अभी हम लोग तीन ही तो लोग हैं, इतना ज़्यादा क्या करना है, तो बस ये बनते हैं। मैंने साथ ताहा को उठाया हुआ है, और इसकी दादो जो हैं वो नमाज़ पढ़ने लगी हैं, मगरिब का वक्त है, टाइम हो चुका है मगरिब का, तो अभी बस इसको खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो नगेट्स रेडी हैं, चाय भी रेडी है, तो बस नगेट्स वगैरह खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है, उसके बाद कुछ शूट नहीं किया था, आपको बताया था कि जो है तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, तो बस फिर आज जो है नेक्स्ट डे हो चुका है, और आज जो है मेरी जो
नंद है, नंद और नंदोई और साथ उसके बच्चे आ रहे हैं, यानी कि ताह के फुप्पा और फुप्पो और फुप्पा आ रहे हैं, साथ में उसके कजन्स आ रहे हैं। और आज जो है दो दो हैप्पी न्यूज़ है, जैसे कि आज हो गई है, आज 7th है, तो आज माशाल्लाह से तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ताहा जो है माशाल्लाह से 9 माह का हो गया, 9 मंथ्स का हो गया मेरा ताहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी न्यूज़ ये है कि इसकी फुप्पो आ रही है आज, पिछले साल मतलब पिछले साल तो नहीं, इसी साल हुआ था ताहा, फरवरी में 7 को भी वो यहाँ आती है, और अब 9 मंथ्स का हो रहा है तो तब भी वो आ रही है, और रहेगी वो कुछ दिनों के लिए, तो छुट्टियाँ लेकर आ रही है। तो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं वो लोग, उन्होंने न्यू अपनी गाड़ी ली है तो वो लोग उसमें आ रहे हैं इंजॉय करते हुए। तो देखें अभी वो निकले हुए हैं 11:30 के, देखें वो कब तक पहुँचते हैं। ताहा को मैंने तैयार कर दिया, ताहा तैयार होके बैठ गया खेल रहा है, और मैं ताहा को जो है उसकी फेवरेट नात लगा के दूंगी ताकि वो तंग ना करे। बस उसको मैंने जो है खाना शाना खिला दिया, उसका नाश्ता वाश्ता जो था कर दिया उसने, तो बस अभी जो है वो देखेगा नाच शाच सुनेगा, आराम से बैठेगा खेलेगा थोड़ी देर, उसके बाद अगर इसको नींद आई तो एक छोटा सा नैप इसको दिलवा दूँगी, क्योंकि जो है ना ये थोड़ा जल्दी उठ गया आज, वैसे थोड़ा लेट उठता है, तो इसको नींद आ जाएगी तो इसको मैं सुला दूंगी, बाकी आगे जो होता है आपको बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो मैंने तो आपको बताया नहीं कि मेरी जो नंद है वो कहाँ से आ रही है। मेरी जो नंद है वो सियालकोट होती है, तो वो सियालकोट से जो है यहाँ पे आ रहे हैं, और वैसे वो लोग दूसरी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, तो इस बार जो है उन्होंने अपनी गाड़ी ली है, तो इस बार वो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम उनका एक्सपीरियंस है, पता नहीं कैसा होगा। हमने भी गाड़ी ली थी, हमने भी सियालकोट जाना था, लेकिन अभी गर्मी थी, तो सियालकोट में अभी भी गर्मी थी, मतलब वहाँ पे भी अभी सही ठंड नहीं हुई है, तो यहाँ पे फिर मौसम बेहतर है, तो इसलिए हम नहीं जा सकते, क्योंकि ताहा को बहुत गर्मी लगती है, तो उस वजह से हम लोग नहीं गए। तो हमें नहीं आइडिया था, इसी वजह से हम लोग नहीं गए थे कि इतनी दूर का सफ़र हम लोग 4-5 घंटे एक बच्चे के साथ कैसे करेंगे, पता नहीं। तो आज वो फर्स्ट टाइम आएंगे, एक्सपीरियंस उनका सुनेंगे, फिर बाकी देखेंगे कि हम लोग भी जब जाते थे हम लोग भी लोकली जाते थे, लोकल मतलब जो बड़ी बड़ी जो यहाँ से वैन्स वगैरह चलती हैं उनके साथ, ट्रैवल्स के साथ जो है हम लोग सफ़र करते थे। तो इस बार जो है वो लोग अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, तो हमें भी एक्सपीरियंस वो बताएंगे, अपना शेयर करेंगे कि कैसा है कैसा नहीं। और मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि वो जो है सर्दियों की छुट्टियों में आती होती थी, उसने आना पिछले मंथ था, लेकिन उसके बच्चों के पेपर्स आ गए, उसने कहा कि पेपर्स वगैरह दिलवा के उसके बाद में आराम से कोई शादी उनकी फैमिली में हुई है, फैमिली में तो नहीं मतलब उसके हस्बैंड के जो फ्रेंड है उनकी हुई है वहाँ पे शादी, तो उसने कहा कि वहाँ से फ्री होके तो फिर मैं आराम से बच्चों की छुट्टियाँ लेके तो फिर आऊँगी ताकि फ्री हो जाऊँ मैं। तो नो एक सेकंड ताहा रोने लग पड़ा, एक सेकंड। जी फ्रेंड्स, तो ताहा का मैंने चुप कराया, ताहा जो है उसको मैंने शर्मा डाला है ना, तो वो अपनी आंख जो है ना वो रब करी जा रहा है, वो मैंने उसको रोका तो उसने रोना शुरू कर दिया, वो ना बहुत ज़्यादा आईज को रब करना शुरू हो गया है, स्पेशली इस आंख को जहाँ पे उसको ना मच्छर ने काटा था, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रब करता है, तो मैं उसको हाथ में उसका रोका तो इसलिए वो रोने लग पड़ा। तो अभी मैंने उसे चुप कराया, तो मैं आपको बता रही थी कि वो उसके लिए आना दूर से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, दूर से रोज़ रोज़ सफ़र कौन करे, तो इस वजह से अब वो फिर देख के जब ताहा हुआ था फेब में आई थी वो, और अब जो है 9 मंथ्स के बाद ताहा माशाल्लाह से 9 मंथ्स हो गया, तो वो अब आ रही है, कुछ दिन रहेगी, बच्चों की छुट्टियाँ लेके आई है। वैसे अगर वो भी ना आती तो वो दिसंबर में आती, अब मुझे नहीं पता वो दिसंबर में आएगी कि नहीं आएगी, बाकी अभी वो आ रही है रहने के लिए। तो ताहा को जो है फर्स्ट टाइम अपने कज़न्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा, ताहा को वैसे भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बाहर जब भी हम लोग जाते हैं वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है, बच्चों को देख के खुश होता है, तो वो घर में अब आएंगे तो उसको एक अलग ही एक्साइटमेंट होगी कि मेरे कज़न्स हैं और वो लोग भी अपने कज़न्स के साथ खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इसको छोटा सा देखा था, बिल्कुल छोटू सा था जब ताहा तब उन्होंने देखा था, तो वो लोग जब वीडियो में देखते हो कहते हैं माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, मैं हम कहते हैं हाँ इतना बड़ा हो गया, आप लोग आओ ताहा के साथ खेलो, ताकि ताहा को भी हो कि भाई हाँ मेरे कज़न्स हैं, उनको भी पता चलेगा कि हाँ हमारा कज़न है। तो ताहा की फुप्पो आ रही है, ताहा की फुप्पो आ रही है, अभी भी मच्छू का निशान इधर है ताहा नाते चुना है, देखे सारा एक आंख में सुरमा है और एक में दूसरा उड़ा ही दिया है, सारा का सारा उड़ा दिया है गंदू। जी फ्रेंड्स, तो बस अभी ताहा जो है कह रहा है कि मैं उसको उठा लूँ, तो मैं अब उसको उठाती हूँ, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बस आपको यही अपडेट देना था कि वो लोग सियालकोट से आ रहे हैं, अल्लाह करे खैर खैरियत से आए, हम लोगों ने भी अपनी गाड़ी ली थी, हमने भी सियालकोट जाना था, लेकिन हम इसी वजह से नहीं जा पाए, क्योंकि एक तो वहाँ पर अभी ठंड नहीं हुई थी, बहुत गर्मी, सियालकोट में वैसी बहुत गर्मी होती है,
तो साताहा की भी पहले गर्मी थी तो हम लोग नहीं, और इतना दूर का सफ़र भी नहीं हम लोग करना चाह रहे थे। तो अभी वो लोग आएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हमें बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो फिर अगर हमें भी सही लगा तो हम लोग भी अपनी गाड़ी पर जाएंगे। वैसे जब हम लोग भी सियालकोट जाते हैं तो हम लोग ये ट्रैवल्स वगैरह के साथ जाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं उन्हीं के साथ जाते हैं, जो बड़ी बड़ी जो ट्रैवल्स चलती हैं वहाँ से। तो इसी तरह जो मेरी नंद है वो लोग भी इसी तरह आते हैं, तो आज जो है वो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो फिर पता चलेगा, फिर हम लोग भी देखेंगे अगर हम अपनी गाड़ी में जा सके, वो भी अगर ठंड हुई तो। ठंड अभी इतनी ज़्यादा ठंड तो है नहीं, धूप लगती है तो इतनी गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो बाकी देखते हैं आगे जो भी होता है, बाकी आपको अपडेट देती रहूँगी, अभी तक की अपडेट यही है। फ्रेंड्स, तो आपको मैंने बताया था कि मेरे नंद और नंदोई आए हुए हैं, तो बस उन्हीं के साथ वो लोग आ गए थे शाम को 7-1 बजे, तो बस हम लोग उन्हीं के साथ खेल रहे हैं, उन्हीं से बातें शातें कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी आए हैं। तो चले मैं आपको जरा इंट्रोड्यूस करवाती हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये जानजेब भाई जो कि है मेरे नंदोई, और ये इनका बड़ा बेटा, और ये है छोटी। इनका क्या नाम है, क्या नाम है आपका? हरीम। और इसका क्या नाम है? अजीत। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, मानो सही बोल रही है। और ये है मेरी नंद, और ये बैठी है अम्मी। हम लोग सारे यहीं पे बैठे हुए हैं, बातें वगैरह कर रहे हैं, सबके साथ एंजॉय कर रहे हैं। और भाई जो है थक गए हैं गाड़ी चला चला के, आज बहुत ज्यादा गाड़ी चलाई है भाई ने। कैसा लगा आपको भाई, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा। थकान तो ज्यादा हो गई है ना गाड़ी चलाते हुए? ताहा के लिए गिफ्ट लाई है मानो। कौन सा गिफ्ट लाई है ताहा के लिए? क्या है ये? है कपड़े, कपड़े हैं, खोल के देखे है। जी देखो भाई, जे ताहा के कपड़े आए हैं, जी फूफो लेके आई है। वाओ ताहा, वाओ। जी फ्रेंड्स, तो खाना वगैरह हो चुका है, हम लोग चाय वगैरह भी पी चुके थे, और जो है मीठा वगैरह भी हमने खा लिया, तो अच्छे से खाना शाना सबका हो गया। तो अभी जो है खाने का टाइम है, तो मैंने कहा कि ब्लॉग की एंडिंग ले लूँ, तो आज का यही था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में से शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।